तो यस, मैं अपने चैनल का नाम और लोगो चेंज कर रहा हूँ। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो रही है कि जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मतलब देखोगे तो मेरा पुराने वाला लोगो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये इतना बुरा भी नहीं है और इसका चैनल का नाम भी सही है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस लोगो को चेंज किया है, जो आपको याद होगा इसी पुराने वाला लोगो में मेरा ये वाला था, जो कि ये भी ठीक था, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करके ये वाला कर दिया। लेकिन अब ऐसी भी बात क्यों आ रही है कि मैं अपना लोगो चेंज कर लूँ? इसके अंदर कुछ रीजंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये वीडियो मैं आखिर क्यों बनाना चाहता हूँ कि जैसे मैं मतलब मिसाल के तौर पर मैं तो ऐसी लोगो चेंज कर दूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं वीडियो बनाने की, बस एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दो, ये उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना लो, लोगो चेंज कर लो, किसी को पता चल जाएगा, कौन ही देखेगा। लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा हो के हाँ सही है, ये बात ठीक है। तो मैं आप लोगों से ना थोड़े बहुत मतलब ऐसे ले सकता हूँ, हेल्प ले सकता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या क्या लगता है कि ये सही है ये गलत है, तो आप लोगों से मैं तभी हेल्प लूँगा। एंड यस, हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो ये बात उस वक्त की है जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपना 2 साल पहले। तो अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग अपना नए नए चैनल बना रहे हैं, गेमिंग्स का और दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल्स बना रहे हैं। तो इसी तरीके से ना मैंने अपना चैनल बना लिया था 2 साल पहले, एक्चुअली 2 साल हुए नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपना चैनल बना लिया था। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं उसके अंदर कैसे बनाऊंगा वीडियोस, कैसे करूंगा, लेकिन यार जैसे जैसे करके मैंने कर लिया। लेकिन मैंने इंस्पिरेशन बहुत सारे यूट्यूबर से ली थी, तो उसके हिसाब से मैंने एक लोगो बनाया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही था मेरा किस टाइप का लोगो था, तो मैंने उस हिसाब से लोगो बनाया था। और नाम भी बिल्कुल ऐसा रखा था कि मुझे माइनक्राफ्ट उस वक्त बहुत पसंद था, मैं माइनक्राफ्ट बहुत खेलता था। अगर आप लोग मेरे वीडियोस में जाएंगे तो हर जगह आपको सिर्फ मेरी माइनक्राफ्ट की वीडियोस नज़र आएंगी, डिफरेंट गेम प्लेज आपको बहुत कम नज़र आएंगे। लेकिन आज के ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो माइनक्राफ्ट बहुत कम हो चुका है, और जितने भी लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ चैनल एक ही चीज़ के लिए बनाते हैं, जो कि है माइनक्राफ्ट। आपको सिर्फ उनके चैनल पर बस माइनक्राफ्ट ही नज़र आएगा और कोई गेम नज़र आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो चैनल पूरा माइनक्राफ्ट पर ही बेस्ड है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिफरेंट गेम प्ले खेलूँ और काफ़ी नए नए गेम्स को ट्राई करूँ। अभी पीसी आ जाएगा तो हम पीसी में काफ़ी नए नए गेम्स खेलेंगे, लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। इस वजह से मैंने सोचा अपना चैनल का नाम और लोगो चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल का नाम है और लोगो है वो माइनक्राफ्ट से रिलेट करता है। यानी मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा जो पूरा चैनल है वो माइनक्राफ्ट के ऊपर ही बेस्ड हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं डिफरेंट गेम प्लेस खेलूँ, आप लोगों से डिसाइड करके पूछूँ कि आप कौन से गेम खेल बताना चाहते हैं आपसे। वैसे मेरे पास अभी पीसी है नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा पीसी भी आ जाएगा। वैसे कुछ टाइम में भी थोड़ा बहुत टाइम और लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, हम जब तक मोबाइल पर ही खेल लेंगे। बाकी मोबाइल पर भी माइनक्राफ्ट इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पर ना और इतने अच्छे गेम्स हैं नहीं, मैं से वर्से माइनक्राफ्ट ही खेलता हूँ, तो मैंने अभी वही रखा हुआ है। लेकिन यस, मैं चैनल का नाम चेंज कर दूंगा, कोई ऐसा नाम रखूंगा जो इससे मतलब जिससे लगे ना कि मेरा चैनल बस माइनक्राफ्ट पर ही है, ऐसा लगे कि मेरा चैनल में और भी डिफरेंट गेम प्लेस होते हैं, और लोगों भी काफ़ी अच्छा रखूंगा। माइनक्राफ्ट में कोई भी रिलेट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, लोगो और चैनल ये दोनों चीज़ें माइनक्राफ्ट से रिलेट नहीं करेंगी, ये सिर्फ नॉर्मल लोगो होंगे, जैसे हर यूट्यूबर को देखता है। अगर आप टेक्नो गेमर को देखेंगे तो वो बिल्कुल भी माइनक्राफ्ट से रिलेट नहीं करता, गेमर फ्लीट का देख ले, उनका मतलब लोगो और चैनल ऐसा रिलेट नहीं करता कि ये सिर्फ माइनक्राफ्ट ही खेलते हैं, जबकि ये माइनक्राफ्ट खेलते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा रिलेट नहीं किया हुआ कि ये सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलते हैं। खतरनाक ईशान का भी यही है, तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, चपाती उनका भी ऐसा ही है लोगो। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना लोगो रखूँ। अब कुछ लोग यूट्यूबर्स को लिख लो, जैसे अपना ये एक्सट्रीम गेमिंग, अब उनका जो चैनल का नाम है वो माइनक्राफ्ट से रिलेट नहीं करता, लेकिन उनका जो लोगो है वो माइनक्राफ्ट से रिलेट करता है। ऐसे ही शलकर क्राफ्ट, उनका चैनल लोगो दोनों माइनक्राफ्ट से रिलेट करता है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलते हैं, और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं लेकिन डिफरेंट गेम प्ले खेलते हैं, बट उनका जो चैनल का लोगो है वो माइनक्राफ्ट पर बेस्ड करता है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं हिसाब से ना अगर ऐसा लोगो बनाओ जो कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये डिफरेंट गेम प्ले खेलता है सिर्फ माइनक्राफ्ट, क्योंकि माइनक्राफ्ट ना अब ज़्यादा चलता नहीं है और ज़्यादातर लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। लोगों को अच्छा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि काफ़ी अच्छा लगे डिफरेंट गेम प्लेस के हिसाब से। तो यस, मैं अपना लोगो अभी कुछ टाइम बाद चेंज कर दूंगा, आप लोगों को मेरा नया लोगो देखने को मिलेगा, और ये पुराना लोगो मैं बिल्कुल ही हटा दूंगा। मैं एकदम कोशिश करूंगा अभी नया लोगो बनाने की, फिर हम लोग नए गेम्स खेलना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल मैं माइनक्राफ्ट, एक्चुअल में क्या है ना, माइनक्राफ्ट की ना कुछ चीज़ें ट्रेंड पर बहुत चल रही हैं, जैसे आपको पता है माइनक्राफ्ट 1.21 आने वाला अपडेट, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेंड पर चल रही, तो मैं भी उस पर कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा और थोड़े बहुत डिफरेंट गेम प्ले ट्राई करेंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ जाकर देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा मैं डिफरेंट गेम प्ले खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग और भी डिफरेंट गेम प्ले खेलेंगे। बाकी यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। बाकी कुछ टाइम बाद आप लोगों को मेरा नया लोगो मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग
चेक करके बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है लोगों को। एंड या तो हम लोग दोबारा नए गेम्स खेलना शुरू करेंगे, मैं एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। देन मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।